आप लोगों को पता है बॉलीवुड के किंग खान सलमान खान वाई नॉट मैरिड? क्या आप लोग जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला पार्ले जी 25 साल के बाद भी अपना नाम क्यों नहीं बदलता? इस वीडियो में आप ऐसे ही गजब के थक जाओगे कि आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा। फैक्ट नंबर 5। आप सभी को पता ही होगा इंडिया रैप के मामले में फर्स्ट नंबर पर आता है, पर क्या आप जानते हैं इंडिया का फर्स्ट रैपर कौन है? जी नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इंडिया में रैप की शुरुआत 1992 में बाबा साहगल ने की थी अपनी फर्स्ट एल्बम जिसका नाम था ठंडा ठंडा पानी, और उस एल्बम की 1 लाख से भी ज़्यादा कॉपीज बिकी थी। मतलब गजब का फैक्ट है उस टाइम पर 1992 में। फैक्ट नंबर 4, HIV/AIDS। आप सभी को पता होगा दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी जिसका इलाज अब तक नहीं मिला, पर आपको पता है HIV/AIDS सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? एक घायल हुए चिंपैंजी ने एक शिकारी को काट लिया, मतलब खचक किसे काट लिया, तभी उसका ब्लड, उस चिंपैंजी का ब्लड उस शिकारी के खून में मिक्स हो गया। इसकी वजह से एड्स की शुरुआत हुई, मतलब फर्स्ट एनिमल था चिंपैंजी, या से एड्स की शुरुआत। कहा यह भी जाता है 1980 में एक व्यक्ति जिसका नाम गैटन न्यूगस, इस बीमारी को फैलाने का उस पर आरोप था। रिसर्च के अनुसार गैटन न्यूगस कैनेडियन फ्लाइट अटेंडर था। गैटन का एकमात्र लक्ष्य अमेरिका को नीचा दिखाने का था, इसलिए उसने जानबूझकर नाजायज संबंध बनाए ताकि वो अमेरिका के लोगों को इन्फेक्शन कर सके और वहाँ पर बीमारी फैला। फैक्ट नंबर 3, RIP, ये वर्ड आप लोगों ने सोशल मीडिया या कहीं एक्स्ट्रा जगह पर आप लोगों ने जरूर देखा होगा, मतलब सुना होगा। रिप एक लैटिन वर्ड है, RIP, इसका इस्तेमाल हम लोग मतलब कभी कोई घटना घट जाए या कोई मर जाए उसको संवेदना देने के लिए, मतलब एग्जांपल के लिए उसको इमोशनल व्यक्त करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। रिप का यूज़ ज़्यादातर लोगों की आत्मा को शांति देने के लिए किया जाता है। एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा सुशांत सिंह की जब मौत हुई थी तब सब लोगों ने RIP रिप लगाया रखा था। पर क्या आप लोगों को पता है रिप का फुल फॉर्म और मतलब क्या होता है? चलो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ रिप का मतलब और फुल फॉर्म। रिप का मतलब है रेस्ट इन पीस, इसका मतलब है शांति से आराम करो। मतलब गजब है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। रिप, RIP, रेस्ट इन पीस। फैक्ट नंबर 2, बचपन में आप सभी लोगों ने पार्ले जी को खाया ही होगा। पार्ले जी छोटा 5 रुपए वाला पार्ले जी, मैंने भी खाया था और आज भी खा रहा हूँ। कल भी इसकी प्राइस 5 रुपए थी और आज भी 5 रुपए भी है और लाइफ में 5 रुपए ही रहेगी। पर क्या आप लोगों को पता है 25 साल के बाद भी पार्ले जी ने अपना दाम क्यों नहीं बदला? क्योंकि एक बार पार्ले जी ने अपना 50 पैसे दाम बढ़ाया, तभी उसी वक्त 50 पैसे बढ़ाने की वजह से उनकी सेल पूरी तरह से गिर गई और उनको बहुत बड़ा घाटा हो गया, और इसी कारण लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया। मतलब कमाल के लोग हैं यार, 50 रुपये बढ़ाने के बाद प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, 90, 100, 200 हो गया, कुछ भी नहीं कर रहे, कमाल के। इसी कारण से मैं बता रहा हूँ, इसी कारण से पार्ले जी अपना MRP नहीं बदलता। मतलब एकदम इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 50 पैसे गजब है यार। फैक्ट नंबर 1, सलमान खान। आप सभी को पता ही होगा सलमान खान बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार रहे, स्त्री वाले रहे, मतलब एकदम डेंजर एक्ट्रेस। क्या आप लोगों को पता है सलमान खान ने शादी क्यों नहीं की? मैं आपको बता दूं कि सलमान खान पर अदालत में 2 केस चल रहे हैं जिसका अभी तक इलाज तो नहीं हुआ है, लेकिन एक का हो चुका है, हिट एंड रन केस, जो 2015 में ख़त्म हो चुका है। लेकिन काले हिरन को मारने का केस अभी तक चल रहा है और उसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। सलमान खान ने खुद बताया कि अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि उन्हें जेल जाना पड़े, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा उन्हें जेल में आकर मिले। मतलब कमाल के सलमान खान है, उनका मतलब सोच बहुत अच्छी है, मतलब भाई ने एकदम गजब की बात कर दी, गुड। इस कारण सलमान खान मैरिड नहीं करना चाहते, ये है हमारा आखिरी फैक्ट। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। सबसे ज़्यादा मज़ा किस फैक्ट में आया कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अगर ऐसे फैक्ट देखने हो तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाकर कर लो, मतलब मैं ऐसे बार बार नहीं आने वाला। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जाकर फॉलो ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो। थैंक यू, इज़न्ट इट।